रजत ने लगाया है ईशा और सवी पर बहुत ही घटिया इल्जाम। इन सब का जवाब कैसे देगी सवी? वेल, दोस्तों आपको बता रही स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे किस तरह से रजत और सवी का आमना सामना होगा और फिर से इनके बीच में भयंकर फाइट होने वाली है, क्योंकि यहाँ इस बार सवी को रजत कुछ ऐसा बोल देगा जिसके बाद सवी जो है वो बहुत ही भड़कने वाली है। चलिए बताते हैं शो के अपकमिंग ट्रैक में और क्या क्या होने वाला है। भाई दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोमो में ईशा जो है उसे अब ये लग रहा है कि भाई किसी भी तरह से सवी और रजत एक हो जाएं, क्योंकि यहाँ ईशा को लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं इन सारी चीज़ों के बावजूद हम देख सकते हैं कैसे ईशा रजत से मिलती है, और रजत से जब वो मिलती है तो देखती है और कहती है कि दामाद जी, तो यहाँ पर रजत भड़क जाता है। रजत कहता है ये क्या लगा रखा है आपने दामाद जी, मेरा इस लड़की से कोई रिलेशन नहीं है, ये लड़की सिर्फ मेरी बच्ची की टीचर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा मेरा कोई इससे मतलब नहीं है और ना ही कभी हो सकता। ये बातें सुनकर ईशा को बहुत बुरा लगता है, ईशा थोड़ी सी उदासी हो जाती है। वहीं सवी को आप देखेंगे, सवी जो है वो भी बहुत हैरान है। सवी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आई से इस तरह से बात करने के लिए, तो यहाँ पर रजत कहता है कि वो तो शुक्र मनाओ तुम्हारी आई से मैंने यही सब बोला है, क्योंकि तुम्हारी आई जो है वो बहुत बेकार है, एक नंबर की गोल्ड डिगर है। इवन मैं तो ये भी कह सकता हूँ तुम दोनों माँ बेटी ही गोल्ड डिगर हो, क्योंकि तुम्हारी जो ये आई है ना वो मेरे ऑफिस पहुंच गई थी ये जानने के लिए कि लड़का क्या करता है, लड़के के पास क्या है और कैसा है। तो यहाँ पर ईशा को बहुत हैरानी होती है ये जानकर कि रजत इस तरह का इंसान है, क्योंकि ईशा जब रजत के ऑफिस गई थी तो उसने सवी और रजत को एक साथ देखा था जब रजत सवी बातें कर रहे थे। दरअसल सवी रजत जो है बातें करते हैं जहां रजत सवी को उसका पेंडेंट देने जाता है, और यहां सवी जो है रजत की वाइफ के बारे में कुछ पूछती है, तो यहां भी रजत सवी पर भड़कता हुआ नजर आता है जिससे सवी हैरान थी। लेकिन जो अब रजत ने ये हरकत की इससे सवी और भी ज्यादा परेशान हो गई है। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे किस तरह से ईशा और सवी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि रजत सबके सामने इन दोनों को गोल्ड डिगर कहने वाला है और ये कहीं ना कहीं सवी और ईशा पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है। तो भाई आपका क्या कहना है, क्योंकि रजत सवी की टक्कर जिस तरह से हो रही है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इनके बीच में इतनी जल्दी प्यार जो है वो आएगा। वहीं पर जब सवी रजत से ये कहती है कि मुझे अब पता चल गया कि आपकी पहली बीवी आपको क्यों छोड़कर गई थी, तो उस पर रजत को भी गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहां साईशा आ जाती है और साईशा को देखकर जो रजत है वो चुप हो जाता है। आपका क्या कहना है शो के ट्रैक को लेकर कमेंट करके बताइए। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को भी फॉलो करें।